साल में आज कम से कम 2 से 3 दर्जन तो इनके विधायकों के खिलाफ या तो भ्रष्टाचार के मामले हैं या कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले हैं या कोई झूठी डिग्री के मामले हैं। आपने देखा, एक तो अभी कोर्ट ने कह दिया कि ये 5 साल के बाद इलेक्शन ही उनका निरस्त कर दिया। और आपने देखा कि इस 5 साल में पहले 4.5 साल केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के अंदर लगाए, दिन रात सुबह शाम कोई काम नहीं किया। भारत सरकार हमको काम नहीं करने देती, एलजी हमको काम करने नहीं देती, और लगातार अभी 5-6 महीने से आप देख रहे हैं कि आपके हमारी कमाई से जो सरकारी खजाना भरा जाता है, जिस सरकारी खजाने से स्कूल बनना होता है, अस्पताल बनना होता है, जिससे कॉलेज बनना होता है, उस सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें देकर, टेलीविज़न पे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करके और जितने भी तरीके हो सकते हैं, बाज़ार में भी आप देखिए, आप बड़ा होल्डिंग्स, छोटा होल्डिंग, बस स्टैंड पे होल्डिंग, सब पे एक ही तस्वीर दिखाई देती है। याद करिए कि जब ये यात्रा इन्होंने शुरू की थी, कितने सारे बड़े बड़े लोग इनके साथ थे, कुमार विश्वास से लेकर प्रशांत भूषण तक और कपिल मिश्रा से लेकर मयंक तक, पता नहीं कितने सारे लोग थे। आज सब छोड़ के चले गए, एक सिर्फ मनीष सिसोदिया इनके साथ बचे हैं, इसके अलावा कोई एक भी आदमी इनके साथ नहीं है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को आप किसी ए को या बी को जिताने या हराने का चुनाव नहीं है, ये किसी एक पार्टी के जीतने या हारने का चुनाव नहीं है। ये जो राष्ट्र धर्म को समर्पित ताकतें हैं और जो राष्ट्र विरोध को समर्थन देने वाली ताकतें हैं, उनके बीच का चुनाव है। इसलिए इसको उसी भाव से हमको लेना है। किसी सरकार ने आज तक हिम्मत नहीं की कि जिस कश्मीर के लिए हमारे मन में इतना भावना और उत्साह होता था, उस कश्मीर से 370 की धारा हटा दी। और अभी 1 हफ्ता पहले जम्मू कश्मीर में गया था और कैसा वातावरण हो गया है, इतनी सारी योजनाएं वहां पर एकदम खुल गई है नए विकास की। मेरे अपने स्वास्थ्य विभाग के अंदर 5 साल में 10 मेडिकल कॉलेज और 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो और जम्मू कश्मीर में चालू हो रहा है। यानी जो देश के लिए जरूरी है, आतंकवादियों को जिनको पैसा दे के पत्थर फेंकवाते थे, वो सारी चीजें बंद हो गई, लेकिन इनको पसंद नहीं है। राम मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर बने, ये इनको पसंद नहीं है। 3 तलाक, मुस्लिम बहनें जो है किस प्रकार से उनको प्रताड़ित होना पड़ता था, उसके खिलाफ कानून बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने, वो इनको पसंद नहीं है।